शीट नंबर 56 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इंडक्ट, और ये शीट है किसके बारे में ये भी देख लो। ये शीट का टॉपिक है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, यानी कि आर नहीं है, सिर्फ एक्सएल और एक्ससी। तो एक्सएल एक्ससी के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सएल अगर आर नहीं है, सिर्फ एक्सएल एक्ससी है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल, ये इम्पीडेंस होती है, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, नेट रिएक्टेंस, ठीक है, ये इम्पीडेंस है, आर नहीं लेना, ठीक। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स एल, एक्स एल अगर करंट आई आर एम एस पता है और वोल्टेज ई आर एम एस पता है, तो ओम लॉ लगा देंगे, ई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस इंटू एक्स एल, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या आगे बने, इंडक्टर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स एल निकाल लेना आंसर, ठीक है। यहाँ पर जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, अब कुछ मेंशन नहीं है तो कौन सा करंट निकलेगा, आई आर एम एस थ्रू एन इंडक्टर ऑफ एल, रेजिस्टेंस नहीं लेनी, कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ, क्या गिवन है, ई आर एम एस एंड फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ओके करंट होता क्या है, ई आर एम एस, अब ये सर्किट है कौन सा, इसमें इंडक्टर भी है और इसमें बस इंडक्टर ही है, इंडक्टर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एल ओमेगा, आंसर, तो एक्सएल की जगह एल ओमेगा लगा लेना आंसर, आर तो लेने को मना ही कर दिया उसने, तो यहां पर क्या आएगा, सिर्फ एक्सएल, ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक, और एक्सएल को बाद में पुट कर लेना एल इंटू ओमेगा, ठीक, मेथड क्लियर है। जैसे क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि इंडक्टेंस ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, फिर से नहीं लेना आर, रिएक्टेंस पता है, एक्स एल पता है 22, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 हर्ट्ज, एंड कनेक्टेड टू ई आर एम एस की वैल्यू गिवन है कितनी, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब ये क्या चक्कर है, रिएक्टेंस गिवन तो है इसमें कितनी, 22 ओम, फिर से उसने क्या पूछ ली, नई रिएक्टेंस, ऐसा क्यों, रिएक्टेंस देके रिएक्टेंस कैसे पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग थी, अब फ्रीक्वेंसी में क्या पुट करना है, 2π × 50, और पहले एक्स एल की वैल्यू क्या थी, एल इंटू 2π × 200, यहां से एल निकालना, एल आ जाएगा, उस एल को यहां पुट करके आंसर निकालना, एक्सएल डैश आएगा, तो समझ में आ रहा है, तो पहले फ्रीक्वेंसी अलग है, अब फ्रीक्वेंसी अलग है, और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एक्सएल की वैल्यू चेंज होती है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है, हो जाएगा इजी है, व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, सी पता है, हुज फ्रीक्वेंसी इज 50, तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, क्या निकालना है, एक्स सी, क्या होगा, 1c ओमेगा, 1 ओमेगा की जगह 2π × फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को 50 पुट कर देना पहला आंसर, लेकिन दूसरे केस में फिर से सेम आंसर पूछ रहा है, लेकिन दूसरे केस के अंदर वो क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2π × सेकेंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10^6 आंसर, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करके एक्सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इफ 1.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ, एक्सी पता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, निकाल लेना, एक्स इज इक्वल टू 1c ओमेगा, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना आंसर, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा बताओ, अगर इसको डबल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आंसर, मेथड समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है शीट की, ठीक है, तो इसमें ये जो शीट है इसमें बेसिक प्रॉब्लम दी है एक्सेल और एक्सी की, ठीक है,
नेक्स्ट शीट नंबर 50 सेवन बोलो इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब यहां पर एक्स एल भी होगा और यहां पर आर भी होगा। अब इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स एल स्क्वायर पर प्लस आर स्क्वायर। टेन फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स एल बाय आर। सही है, दो फॉर्मूला है इसमें। नेक्स्ट है, और हां पावर फैक्टर क्या बनेगा अगर आ जाए तो? पावर फैक्टर कॉस फाई क्या होता है? आर बाय Z, लेकिन यहां पर Z क्या है? XL, ऐसे। सही है, तो शुरू करें। Z तो होगा ही नहीं ना, Z तो होगा, Z होगा, सॉरी Z होगा, इसमें गलत कर दिया। Z होगा, ये RL सर्किट है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। ठीक, नेक्स्ट है, कैलकुलेट इंपीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। R पता है, एक्स एल पता है, तो चलो एक आंसर तो बहुत क्लियर है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर आंसर। सही है, नेक्स्ट है, इंडक्टेंस कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर पता है, आर पता है, एसी सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ पता है, अप्लाइड वोल्टेज लीड्स करंट बाय, देखो जो वोल्टेज आगे होती है करंट से, तो पक्की बात है अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, तो इंडक्टर लगा हुआ है, और फाई गिवन है कितना? 45। एल निकालना है इसमें, सबसे पहले काम करते हैं टेन फाई लगा लेते हैं। टेन फाई क्या होगा इसमें? एक्स एल डिवाइडेड बाय आर, एक्स एल बाय आर, एक्स एल माइनस एक्सी बाय आर होता है, एक्सी तो है ही नहीं, एक्स एल बाय आर। तो टेन ऑफ 45 में टेन ऑफ 45 क्या होता है? 1, तो एक्स एल किसके इक्वल है? आर के। तो एल ओमेगा किसके इक्वल है? आर के। आर पता है, ओमेगा पता है, एल निकाल लेना आंसर। सही है, ठीक है यहां तक। जैसे नेक्स्ट है, एसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट आरएमएस, चलो वी आरएमएस मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है, कैलकुलेट इंपीडेंस, चलो वो तो आई जाएगी, कैसे? अंडर रूट ऑफ, ये लो इंपीडेंस आ जाएगी। आरएमएस करंट, आरएमएस करंट क्या होगा? आरएमएस करंट होगा ई आरएमएस को किससे डिवाइड कर देना है? जेड से। तो ई आरएमएस को जेड से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? आरएमएस करंट आ जाएगा। सही है, टिपिकल एनसीईआरटी है, यही आता है एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में 100 वोल्ट, ये क्या गिवन है? ई आरएमएस फ्रीक्वेंसी, कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड आर, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ करंट। तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई आरएमएस क्या होगा? बोलो ई आरएमएस बाय जेड। ई आरएमएस 100 पता है, जेड आप निकाल लेना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी आपको पता है। एक आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? टेन फाई, टेन फाई इसमें क्या होगा? एक्स एल डिवाइडेड बाय आर, एक्स एल पता है, आर पता है, टेन फाई आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक? टेन फाई की वैल्यू कैसे आएगी इसमें? जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ है, करंट ऑफ 11 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ क्वाइल व्हेन 110 वोल्ट डीसी है। अब ध्यान से, ये डीसी है, डीसी में हमेशा वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी? रेजिस्टेंस ही आएगी। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 10, क्योंकि डीसी में एक्सएल एक्सी तो होता ही नहीं, कोई तो आ ही देते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन जब हमने एसी लगाया विद ई आरएमएस तो करंट आई आरएमएस गिवन है 0.5 एम्पियर। तो अब अगर मैं ई आरएमएस को आई आरएमएस से डिवाइड करूं, 110 को आई आर में 0.5 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास क्या आएगा?
जेड। डीसी में आर आता है वोल्टेज और करंट को डिवाइड करके, एसी में जेड आता है। अब जेड की वैल्यू होती क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो जेड आपने निकाल लिया, आर आपने निकाल लिया, सॉल्व करके एक्स एल आ जाएगा, एक्स एल से एल आ जाएगा, सही है। डीसी से डिवाइड करके आर आ गया और एसी से जेड आ गया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, एन आर्क टेक्स करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट। ये तो अगर मैं 80 को 10 से डिवाइड करूंगा, आर्क कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस है, तो ये आर्क की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8 ओम। सिंपल, इसमें कोई इंडक्टर लगा नहीं हुआ। फाइंड द इंडक्टेंस जो सीरीज में लगाया जाए। अब यानी कि पहले इंडक्टर लगा नहीं हुआ, अब वो कह रहे हैं इंडक्टर सीरीज में लगाया जाए ताकि ई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाए, 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी पता है, एल निकालना है। आर तो आपके पास आ ही गया। अब आपको ये पता है कि ई और करंट की वैल्यू इसमें कितनी है, 10 एम्पियर है पहले। तो ये एज्यूमिंग कि करंट की वैल्यू अब भी क्या रखनी है, सेम, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू रिमेन्स सेम, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो आप ई आर एम एस को आई आर एम एस से जब डिवाइड करेंगे 220 को 10 से, तो सीधा आपके पास क्या जाएगा, जेड। अब जेड आपके पास आ गया ई आर एम एस बाई करंट से, आर आपके पास आ गया। अब जेड होता क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये आपके पास है, ये आपके पास है, एक्स एल आ गया, एक्स एल से एल आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें से पहले इंडक्टर कनेक्टेड नहीं, तो आर तो आ ही गया, करंट भी यही यूज कर लिया, वहाँ पे जेड आ गया, ई आर एम एस आई आर एम एस पता है, जेड आ गया, और जेड आ गया, आर आ गया, एक्सएल तो आ ही गया, ठीक है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इसके अंदर करंट पता है। अब ये कुछ करंट मेंशन नहीं है, तो कौन सा करंट है, आई आर एम एस पता है, तो ये एल आर सर्किट है। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स। वोल्टेज एसी सोर्स में क्या होती है, नेट वोल्टेज पूछ रहे हैं, 240 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, आंसर आंसर नेट वोल्टेज आ गई। सोर्स की वोल्टेज हमेशा क्या कहलाती है, नेट वोल्टेज हमेशा वी आर एम एस होती है। अब आपको वी आर एम एस पता है, आई आर एम एस पता है, तो तुम वी आर एम एस को आई आर एम एस से डिवाइड कर दें, सॉल्व करके क्या आएगा, जेड आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? वी आर एम एस को आई आर एम एस से डिवाइड करके सॉल्व करके जेड आएगा, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, कैलकुलेट इम्पीडेंस एंड आर एम एस करंट। देखो इस इक्वेशन से एक तो वी नॉट पता लग गया 200 वोल्ट है, वी नॉट से वी आर एम एस तो आप निकाल ही लोगे 200 बाई रूट टू। यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा पता लग गया 400 है, एल पता है, आर पता है, क्या निकालनी है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकाल लो, अंडर रूट ऑफ कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, आंसर सही है। और आपको क्या निकालना है, इसमें आर एम एस करंट निकालना है। आर एम एस करंट क्या होगा, वी आर एम एस को जेड से क्या कर देना है, डिवाइड, ये पता है, ये पता है, आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, दी वर्चुअल करंट इन दी एसी सर्किट इज एज शोन। तो वर्चुअल करंट का मतलब आई आर एम एस पता है कितना, 1 एम्पियर। आपको ये वी आर एम एस भी पता है कितना, 200। तो ठीक है, पहले वी आर एम एस को आई आर एम एस से डिवाइड करके क्या जाएगा, जेड, जेड आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड वर्चुअल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, आपको वी एल निकालना है। तो एक काम करो, वी आर एम एस तो पता ही आपको, जो नेट वोल्टेज होती है वो क्या होती है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी आर एम एस 200 है, वी एल वी आर 120 है, और यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी एल की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, सही है ना? ठीक है, तो
तो यहाँ से वी आर एम एस पता है, वी आर पता है, वी एल निकालना है, नेट वोल्टेज इज अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर से आंसर आएगा, वी एल आ गया। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालनी है, इम्पीडेंस तो मैंने निकाल ली यहाँ से, रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल निकालनी है, रिएक्टेंस क्या होता है एक्स एल, एक्स एल क्या होता है एल ओमेगा, ओमेगा पता है इसमें, ओमेगा पता ही नहीं, बोलो क्या करें आप, ये तो पता ही नहीं, एक्सेल निकालना है, एक्सेल का फॉर्मूला पता ही नहीं, फिर ऐसा कर लेते हैं, जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, जेड तो हमने निकाल लिया, आर आर की वैल्यू एक काम करो ओम लॉ लगा दो, ओम लॉ में 120 पता है और करंट पता है, तो सॉल्व करके क्या आएगा आर आ जाएगा, आर आ गया फिर एक्सेल आ जाएगा। ओ हाँ ये सही है, ओम लॉ इंडक्टर में लगा लो, वी एल तो निकाल ही लिया तो सीधा लगा लो, वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स एल, ये लो सीधा एक्सेल आ गया, दिमाग ही नहीं काम किया, अभी सवा तीन तो कर गया था यार, अभी पता नहीं क्या हो गया, थक गया लग रहा है दिमाग, ऐसे ही था याद आया। नेक्स्ट है नाइन्थ के बाद, देखो ये जो शीट है वो एक ही पैटर्न पे है, किसी की को डाउट पूछते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 57 के बाद फिफ्टी एट के अंदर भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि 58 जो शीट है ये R और C के ऊपर बेस्ड है, जैसे R और XL था, अब R और XC है, बिल्कुल सेम है, तो कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस है, तो कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस में इम्पीडेंस का फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी स्क्वायर, बिल्कुल सेम असाइनमेंट है, XL की जगह XC है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, आपको R पता है, C पता है और E RMS पता है, और आपको ओमेगा भी पता है, इम्पीडेंस निकालनी है, तो बोलो इम्पीडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जब आप प्रैक्टिकली सच में पढ़ेंगे आपको कैपेसिटर अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, ये देखो ये कौन करेगा बिना कैलकुलेटर के, चक्कर ये है, आर सी के ऊपर इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल हो जाता है, एक्स ही नहीं होता, डिवीजन भी है, स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है, मतलब इससे तो बेकार कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो ये वैल्यू आएगी, आप इससे अंदाजा लगा लो, जब इसने सोल्यूशन किया, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको अलग अलग ही सॉल्व करना, बहुत बार आप देखेंगे एक वैल्यू बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी, छोटी को निगलेक्ट करके अप्रोक्सीमेट आंसर लिख देना, फंस मत जाना, ऐसे है, ठीक है, अब आंसर सही आएगा, नहीं तो फंसे रहोगे, इसको ऐड करके बैठ गए तो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वॉट 50 वोल्ट फिलामेंट, तो ये क्या गिवन है, पावर, और ये क्या गिवन है, वी आर एम एस, कनेक्टेड इन सीरीज टू मेन सप्लाई ऑफ 250 वोल्ट। ओके, एक काम करते हैं फिर से एक बार, ये पावर गिवन है और ये वी गिवन है, मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो देखते ही लगा दिया करो, और यहाँ से कम रेजिस्टेंस तो निकल ही जाएगी, यहाँ से आर तो आएगा ही आएगा, और पावर के ही फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इसमें क्या होगी ये निकालनी है। अब आपको इस क्वेश्चन में ई आर एम एस पता है कितनी, 250, ठीक है, तो आपको इसमें कैपेसिटर निकाल की वैल्यू निकालनी है क्या होगी ताकि ये लैंप रन कर सके,
इसी फॉर्मूले से एक और काम करना, वी इंटू आई लगा लेना और यहां से आई आर एम एस निकाल लेना, पावर बाई वी आपको वी आई आर एम एस भी देगा, आई आर एम एस भी देगा। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए काम करना, आई आर एम एस आपके पता है, ई आर एम एस आपको पता है, इन्हें डिवाइड कर लेना, ई आर एम एस बाय आई आर एम एस आपके पास क्या जाएगी, इंपिडेंस। और अगर एक बार इंपिडेंस आ गई, इंपिडेंस का ये फॉर्मूला, जेड आपने निकाल दिया, ये रहा आर आपने निकाल दिया पावर से, एक्स सी आ गया, एक्स सी क्या होता है, वन बाय सी ओमेगा, वहां से सी आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? जब आप एक्स सी ना लगा पाए वन बाय सी ओमेगा, सुन लो मेरी टेक्निक क्या है, जब मैं एक्स सी में फंस जाता हूं कि सी नहीं पता ओमेगा नहीं पता, तो फिर इंपिडेंस ही बचाती है, फॉर्मूला लगेगा इंपिडेंस का, तो किसी भी तरीके से आर निकालना ही पड़ता है, चाहे वो पावर से चाहे कैसे भी निकालो, और कोई तरीका ही नहीं है, इंपिडेंस ही बचाएगी, फॉर्मूले दो हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टाइल है करने का सॉल्व। फाइंड इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एज शोन, जब डायरेक्ट करंट इसमें पास करेंगे, एक बात बताओ इंपिडेंस होती क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। जब मैं डीसी पास करूंगा, डीसी का ओमेगा क्या होता है, जीरो, तो जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, तो जेड भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मार्क करना ऑब्जेक्टिव में, जीरो मत कर देना, जब डीसी पास करेंगे तो ओमेगा जीरो, एक्स सी इनफाइनाइट होता है डीसी के लिए, तो जेड भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे है ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है यहां तक। तो ये इसका, ये इसकी टेक्निक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक्सी के नॉर्मल क्वेश्चंस ही हैं, नॉर्मल है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं है। शीट नंबर 레जोनेंस, देखो इस शीट पे आओ, रेजोनेंस की शीट है, सारे के सारे क्वेश्चन रेजोनेंस के, करना ही कुछ नहीं है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, जेड इज इक्वल टू आर, लेकिन पहचानते कैसे हैं रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा सी, आपको गिवन होगा इसमें आर, इसमें गिवन होगा एल, एल सी आर है, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ताकि करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब होता है, जब क्या होती है, रेजोनेंस। तो ऐसे केस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, फर्स्ट आंसर आंसर आएगा, तो करंट मैक्स का मतलब रेजोनेंस है। नेक्स्ट है, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ध्यान आगे प्लीज, इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बहुत टिपिकल एनसीईआरटी प्रॉब्लम, ऐसे पार्ट्स में पूछती है एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो जब करंट मैक्स है, इंपिडेंस मिनिमम है, तो रेजोनेंस है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है। तो पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ गिवन है, ई नॉट गिवन है, आप करंट निकालें। देखो ई नॉट को जेड से डिवाइड करके क्या आएगा, आई नॉट आएगा। प्रॉब्लम यह है क्योंकि इस क्वेश्चन में रेजोनेंस हो चुकी है, तो जेड किसके इक्वल पुट करना है, आर। रेजोनेंस में जेड को उठा के आर पुट कर देना, आंसर आएगा। तो अब जेड पुट करने का फायदा नहीं ना, सीधा आर पुट कर दो, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि करंट मैक्सिमम के लिए इंपिडेंस मिनिमम लगानी है। एफ निकाल लो, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ होती है फ्रीक्वेंसी। वैसे नॉर्मली एफ निकाला जाता है, एफ निकाला जाता है, ओमेगा निकाला नहीं जाता। नेक्स्ट है, फिर से एलसीआर सर्किट है, सीरीज में ई आर एम एस पता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, कोई रेजोनेंस नहीं हो रखी इसमें, तो इसमें क्या गिवन है, ई आर एम एस। तो आई
आर एम एस की वैल्यू होगी ई आर एम एस बाय जेड, ये आंसर है। अगर रेजोनेंस हो रखी होती मैं जेड को आर पुट कर देता, नहीं हो रखी अब मुझे एलसीआर का पूरा जेड निकालना पड़ेगा। सही है यहां तक? जैसे कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, सी पता है मतलब सी निकालना है, आर पता है और एल पता है, सीरीज ई आर एम एस पता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी एंड करंट। जब करंट इज इन फेस विद वोल्टेज, मतलब फाई क्या है जीरो, करंट इज इन फेस विद वोल्टेज, मतलब करंट इन फेस का मतलब वोल्टेज और करंट में एंगल जीरो, ऐसा दो ही केस में हो सकता है, या तो अकेला रेजिस्टर लगाओ या रेजोनेंस हो, रेजोनेंस में ऐसा हो जाता है। और अगर नहीं प्रूव नहीं विश्वास तो ऐसे सही, टेन फाई क्या होता है, फाई को जीरो पुट कर दो, तो जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा, तो एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स सी हो गया प्रूफ, इसका मतलब रेजोनेंस है। और अगर रेजोनेंस है तो एल ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू वन बाय सी ओमेगा, निकाल लेना सी की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, कैसे पहचान करते हैं रेजोनेंस की? रेजोनेंस की पहली पहचान है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है एलसीआर में, दूसरी पहचान है करंट मैक्स है, तीसरी पहचान है इम्पीडेंस मिनिमम है, बहुत पहचान है इसकी, ठीक है, और लास्ट पहचान है पावर फैक्टर वन है तो भी रेजोनेंस है। ये तीन चार फैक्टर से रेजोनेंस पता लगती है। तो ये सारे ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ नहीं है, बस यही पकड़ना है रेजोनेंस है या रेजोनेंस नहीं है। तो अगर है तो और भी अच्छा है, जेड आर के इक्वल कर देना आंसर आएगा, नहीं है तो आई आर एम एस इज ई आर एम एस बाय जेड कर देना, और इस शीट में कुछ भी नहीं है, यही चीज है सिर्फ। इस क्वेश्चन में 200 किलोमीटर लॉन्ग टेलीग्राफ वायर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ सी गिवन, पर किलोमीटर, ध्यान से पर किलोमीटर की कैपेसिटेंस है, इसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके टोटल सी निकालना पड़ेगा पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। इंपीडेंस क्या है, मिनिमम, इंपीडेंस मिनिमम कब होती है, जब रेजोनेंस है, तो अगला फॉर्मूला एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, ठीक है यहां तक? कैसे पहचानना है समझ में आ रहा है? इसके अंदर जो बस अगली शीट में मुझे एक चीज दिखानी है जहां गड़बड़ हो सकती है, पावर की शीट में। देखो पावर की शीट में कुछ ऐसा नहीं है जो, तो पावर की शीट हमने की एमीटर शोज, ये क्या गिवन है आई आर एम एस, वोल्ट मीटर रीड्स क्या गिवन है वी आर एम एस, वॉट मीटर शोज क्या गिवन है एवरेज पावर, क्या निकालना है पावर फैक्टर, लगा लेना फॉर्मूला, एवरेज पावर इज आई RMS V RMS into cos phi, सॉल्व करके क्या आ जाएगा cos phi, क्लियर है यहां तक? सॉल्व करके cos phi आ जाएगा, ठीक। या ये क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि सर्किट कंटेन्स L C इन सीरीज, E RMS पता है, दी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, आर नहीं लेना, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, आर एम एस करंट क्या होगा ई आर एम एस बाय जेड, ई आर एम एस क्योंकि सिर्फ एक्स एल और एक्स सी है बस, तो ये आपका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, आर तो है ही नहीं। टोटल एवरेज पावर में आंसर क्या आएगा, एवरेज पावर जीरो, क्यों? ओनली इंडक्टर में एवरेज पावर क्या होती है जीरो, ओनली कैपेसिटर में क्या होती है जीरो, और जब तक आर नहीं ना तब तक जीरो ही जीरो है, एल और सी का कॉम्बिनेशन भी जीरो ही देगा। क्यों जीरो देगा, क्योंकि एलसीआर में वीएल ऊपर होता है और वीसी
नीचे होता है और करंट यहाँ होता है, तुम नेट वोल्टेज भी लोगे तो भी 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा करंट के साथ, नेट वोल्टेज 90 डिग्री एंगल बनाएगी एल और सी की। तो जब 90 डिग्री एंगल बनता है ईएमएफ और करंट का, तो एवरेज पावर क्या होती है? जीरो। ठीक है, मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन ये दिखाना चाहता हूँ जो आपकी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें, ये वाला। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैज अ पावर रेटिंग ऑफ, पावर आपको पता है ये टी है, टी। अब कई लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है SHM की क्वेश्चन होती थी। तो इसमें वी नॉट की वैल्यू तो पता है 141.4 है, और आपको ओमेगा की वैल्यू भी पता है 314 है। वो कहता है जी फाइव कितना है, पाई बाई थ्री है। मैंने कहा अच्छा फाइव पाई बाई थ्री है, तो कह रहे हैं कि इसमें क्या निकालना है, अफेक्टिव करंट निकालना है। तो मैंने कहा अफेक्टिव करंट निकालना है, तो पावर क्या होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, कॉस ऑफ फाइव आपको क्या निकालना है, आपको आई आर एम एस निकालना है। आपको पावर पता है, आपको वी नॉट से वी आर एम एस भी पता है, ये भी पता है। अगर तुम मुझे कॉस फाइव बता दो मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो एक स्टूडेंट बोला कॉस फाइव में करना क्या है, फाइव कितना गिवन है, पाई बाय थ्री। सही बोला, पुट कर दूं क्यों? हाँ, क्योंकि फाई का मतलब है वोल्टेज और करंट का एंगल, करंट की तो इक्वेशन नहीं दी हुई, तुम किसका फाई निकाल रहे हो। तुम यहां से फाई मत ले लेना इसे, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी करंट की इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 314 टी प्लस पाई बाय थ्री ही हो। तो जब तुम करंट और वोल्टेज का एंगल माइनस करोगे फेज डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो आप ऐसे मत ब्लाइंडली पाई बाय थ्री ले लेना, अकेली वोल्टेज की इक्वेशन से आप करंट का फेज डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते। समझ में आ रहे हैं यहां तक? अब फिर क्या करें, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब में इंडक्टर कैपेसिटर थोड़ी ना होती है, ओनली रजिस्टर है। ओनली रजिस्टर में कॉस फाई क्या होता है, वन, कॉस फाई वन का केस है ये, क्योंकि ओनली आर का केस है। वो तो कंफ्यूज करने के लिए पाई बाई थ्री दे दिया उसने। समझ में आ रहा है? तो जब तक करंट और वोल्टेज की इक्वेशन दोनों ना गिवन हो, आप फेज डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते। ठीक है यहां तक? जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखो, ये बढ़िया, देखो ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब बात बनेगी, अब फेज डिफरेंस कितना है, इसमें से इसे माइनस करो, पाई बाय सिक्स माइनस माइनस पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री आएगा। अब फाइव पाई बाय थ्री यूज करना, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।